any poem which is the expression of the grief, it is a song, mourning or lament for a person or persons. Any poem which is the expression of the grief or death is known as elegy. तो इट इज ए सॉन्ग, ये क्या है, एक ऐसा गाना है मॉर्निंग जो बिलाप करता है, मतलब जो रोता है फॉर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए या कई व्यक्तियों के लिए, है ना। तो जो पोइट है वो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं, मतलब उसके कोई फैमिली मेंबर है या उसको कोई इतना डियरेस्ट फ्रेंड है या ऐसा कुछ नहीं है, केवल उसी के लिए वो एलिजी लिखता है। एलिजी जो है वो कई लोगों के लिए भी लिखता है, जैसे कि वो अपने कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने जो भी ग्रुप है, मतलब कोई भी ले सकता है, गांव वालों के लिए, तो वो किसी के लिए भी लेमेंट के ऊपर सॉन्ग लिख सकता है। मतलब वो अपनी फीलिंग, अगर उसको उनके प्रति कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस है जिसे वो व्यक्त करता है, करना चाहता है, तो अपनी एलिजी के थ्रू व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पीवी शैली की एक पोएम है एडोनिस करके, उन्होंने एडोनिस जो है वो जॉन कीट्स जो उनके फ्रेंड रहे हैं उनकी डेथ के ऊपर लिखा, मतलब उनकी जब डेथ हो गई थी वो इतना ज्यादा उन्होंने दुख महसूस किया, तो उसको उन्होंने उसको लिख कर व्यक्त किया एडोनिस को। ठीक है, ADNOIS, ये एक एलिजी है जो आपके MA, जब आप MA में अगर इंग्लिश लेंगे तो उसमें है सिलेबस में। ठीक है, तो उसमें पीवी शैली ने क्या कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति बदल जो उनका फ्रेंड था उसके ऊपर उन्होंने एलर्जी लिखी। ठीक है, वो तो एक पर्सन हो गया, लेकिन आपके सिलेबस में जो है थॉमस ग्रे की पोएम एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो उसमें क्या है, उसमें एक व्यक्ति के ऊपर नहीं एलर्जी लिखी गई, किसके ऊपर लिखी गई, कई लोग है, उसमें एक कंट्री है, कंट्री का मतलब देश नहीं है, कंट्री का मतलब वो देहात से है, गाँव से है, जहाँ पे वो कब्रिस्तान के पास बैठे हुए है और वहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर वो मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो गांव के लोग हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे शहर के सिटी के लोग होते हैं, लेकिन सिटी के लोगों के अंदर अगर कोई प्रतिभा होती है तो वो उभर के आती है, सबके सामने होती है, अगर जैसे उसको गाने की कला है तो लोग जानते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो पैसा कमाता है उस चीज से, है ना। लेकिन गाँव के लोगों में भी यह प्रतिभा होती है गाना गाने की, डांस की, या कोई भी चीज में आगे बढ़ने की, कला में, नृत्य में, किसी भी चीज में, तो वो अपनी प्रतिभा को वही मतलब क्या करते हैं, सुबह से उठे और अपना वो मतलब खेती करने गए, उस बात शाम हुई, घर आए, अपना खाए, सो गए, मतलब उनका जो है अपना कोई और उनकी कोई दुनिया नहीं होती, वो कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं और वे वहीं पे जन्म लेते हैं, वहीं पर उसी भूमि पर मर जाते हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जान पाता। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने, उन सब लोगों के बारे में उसने पोइट ने थॉमस ग्रे ने लिखा एलिजी। ठीक है, तो वो क्या है, पर्सन मतलब पूरे को, मतलब कोई पर्टिकुलर उसका कोई अपना रिलेटिव या कोई फ्रेंड नहीं था, उसने सबके ऊपर लिखा था। ठीक है, उसी प्रकार से एलिजी होती है जो सिर्फ किसी की डेथ के ऊपर या कोई ग्रीफ है जो दुख व्यक्त कर रहा है पोइट, तो उसको हम एलिजी बोलते हैं। एनी पोएम विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रीफ और डेथ इज नोन एज एलिजी। कोई भी कविता होती है जो जिसमें दुख व्यक्त होता है, चाहे वो किसी के मरने के ऊपर, चाहे जिसके ऊपर हो, लेकिन उसको हम एलिजी के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में इट अपीयर्ड एज अ लैमेंट फॉर द डेड। इंग्लिश पोएट्री में हमने इसको किस नाम से जाना, कैसे जाना है कि ये मतलब मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर लिखी जाती है, गाई जाती है, ब्लास्ट किया जाता है, उसको हम एलिजी बोलते हैं। नो रूल्स आर यूज फॉर एलिजी, कोई भी जो रूल है वो एलिजी पे नहीं फॉलो होता है, मतलब एलिजी लिखने के लिए कोई रूल्स नहीं है। जैसे कि सोनेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो सोनेट में क्या होता है कि 14 लाइन्स की पोइम होती है, वो लिमिटेशन मतलब उसकी लिमिटेड एक लाइन्स होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई नहीं है कि इतनी मतलब 14 लाइन्स का है कि 20 लाइन्स का है कि 30 लाइन्स का है, इसमें अनलिमिटेड लाइन्स में कोई लिख सकता है, किसी भी लैंग्वेज को प्रयोग कर सकता है ना, तो उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रैंडम स्कीम नहीं है। तो इसकी थीम क्या थी, थीम इज रिक्वायर्ड टू बी मॉर्नफुल। इसकी थीम कैसी होती है, इसकी रिक्वायर करती है मॉर्नफुल, मतलब इसको जब हम पढ़ते हैं, इसकी सब्जेक्ट मैटर इसका देखते हैं, तो उसको भी क्या फील होता है, सारो दुख, है ना, तो कैसी भरी हुई होती है, ये सैडनेस से भरी होती है, इसमें दुखपन होता है। तो इसकी थीम में क्या, क्योंकि जब वो किसी की डेथ के ऊपर लिखा गया है तो हम लोग हैप्पी तो फील करेंगे नहीं, हैप्पीनेस तो हम लोग क्या फील करेंगे, सिर्फ दुखी महसूस करेंगे, तो वो मॉर्नफुल होती है। इन द करंट लिटरेरी प्रोफेस एन
एलएजी के जो करंट लिटरेरी प्रोफेशन है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म में अगर कोई है तो वो है इट्स अ शॉर्ट लिरिक ऑफ पोएट्स मॉर्निंग और लेमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो ओवर द डेथ ऑफ सम डियर वन। कि एक ऐसी शॉर्ट लिरिक है जो क्या व्यक्त करती है, कवि के मतलब जो है अथवा लेमेंट को और उसके व्यक्तिकरण को, किसके दुख दुख को व्यक्त करने ओवर द डेथ ऑफ सम डियर वन, किसके ऊपर ऑफ सॉरो मतलब का ओवर द डेथ, मतलब कोई भी जो उसका अपना डियर डियरेस्ट है या कोई भी है अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके ऊपर लेमेंट एक्सप्रेस करता है। इट इज ऑफन टेकिंग द शेप ऑफ ए मेमोरियल इन विच द पोएट हैज पेड अ ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट पर्सन। इट इज ऑफन, ये हमेशा कैसे लिया जाता है, द शेप ऑफ ए मेमोरियल मतलब यादगार, मतलब इसमें यादें होती हैं, मतलब पोएट जो है वो अपनी याद में से जैसे साल भर पहले की बात है या 20 साल पहले की बात है वो किसी भी मतलब जैसे अपने फ्रेंड है उसका बचपन में उसकी डेथ हो गई तो वो उसको याद करना है ना, तो वो क्या हो गया तो उसकी मेमोरी में था तो वो उसके ऊपर एकदम से दुख व्यक्त करने लगता है तो किसे एलर्जी लिखकर, तो वो भी है तब कोई पेड टू ट्रिब्यूट ए ग्रेट पर्सन। तो इस प्रकार से कभी क्या करता है उसको श्रद्धांजलि पे करता है मतलब ट्रिब्यूट करता है, तो वो एक ग्रेट पर्सन भी हो सकता है। जैसे टीवी चैनल जॉन गेट्स को जॉन गेट्स कहता था ग्रेट पर्सन था, उसने उसको लिख कर क्या किया श्रद्धांजलि उस पर पेश कर दिया। समटाइम्स कभी कभी द एलिजी हैज बीन यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कभी कभी क्या होता है जो एलिजी है वो यूज की जाती है कैसे एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, माने व्यक्तिकरण का एक माध्यम है, अपने दुख को व्यक्त करने का माध्यम है क्या एलिजी, फीलिंग्स ऑफ ए होल रेस कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी। तो कभी जो है अपने दुख को इस एलजी के थ्रू व्यक्त करता है, इसको एक माध्यम बनाया हुआ उसने, मतलब बहुत ज्यादा अपने अंदर की जितनी भी गहराइयों में उसको जो फीलिंग्स है वो सब बाहर आपके सामने प्रचारित करता है। इन एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में एलजी कवर्ड ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, एलजी ने जो है बहुत बड़ी रेंज पे बहुत बड़े उस पर बहुत सारे विषयों के ऊपर लिखा हुआ है। बोथ ग्रेव एंड ग्रे मतलब जो कब्र है जो मरे हुए लोग हैं उनके ऊपर उनके विषय के ऊपर उसे बहुत बड़ी रेंज में एलिजेंस लिखी है। जब जब वार सॉन्ग्स, इस में क्या हुआ था कवर हुए थे वार सॉन्ग्स, वार सॉन्ग मैंने युद्ध के गाने, मतलब युद्ध जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था है ना, तो जब उस समय अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर थॉमस ग्रे थे उन्होंने इसके ऊपर सॉन्ग्स लिखे, भाई वार में क्या होता है सब कई लोग मरते हैं है ना, कई लोग बहुत ज्यादा मतलब चोटें बहुत लगती हैं तो उनसे क्या होता है उनके घर वाले को बहुत से ऐसे होते हैं चिराग बुझ जाते हैं तो उनके ऊपर दुख व्यक्त करते हैं तो वो होता है वॉर सॉन्ग्स। ठीक है, तो वो वॉर सॉन्ग्स भी उन्होंने लिखे। लव सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स का मतलब वाले लव नहीं, मतलब अगर लव में किसी ने धोखा खाया है या उनके कोई गर्लफ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई है तो वो लव सॉन्ग्स हो गए। पॉलिटिकल वर्सेस राजनीतिक एंड लैमेंट लेमेंटेशंस फॉर द डेड, और जो लेमेंटेशन होता है विलाप होता है इसके लिए डेड बॉडीज के लिए। ओरिजिनली इट वाज ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन सेट टू म्यूजिक, मुख्य रूप से इट वाज ए पोएम एक ऐसी कविता होती है विलाप की कि जो जिसमें म्यूजिक सेट किया होता है ना, जिसमें जो है स्लो स्लो म्यूजिक सा बजता है जिसमें से ये महसूस होता है कि हाँ कोई दुख है। जैसे आप लोग जब मूवी या सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो क्या देखते हैं जहाँ हर टाइप का अलग अलग का म्यूजिक होता है ना, रो रहे हैं तो भी म्यूजिक बजता है तो वो रोने वाला म्यूजिक होता है, गा रहे हैं गाने वाला होता है, हंस रहे हैं तो खुशी का माहौल है तो वो वाला म्यूजिक होता है, सबका अलग अलग म्यूजिक है। वैसे सैड है इसमें भी द थीम ऑफ एलर्जी बिकम्स अ वंडरफुल मिक्सचर ऑफ लेमन, जो एलिजी की थीम होती है कहानी होती है वो कैसी है वंडरफुल मिक्सचर, एक वंडरफुल मिक्सचर होता है किसका लेमेंट का और मेलंकली का, मेलंकली माने दुख, इसके माने भी खिन्नता वही और उसके जो रोने का विलाप करने का जो मिक्सचर है उसका होता है इसमें। देर आर लेमेंट्स, इसमें कौन कौन से लेमेंट्स होते हैं, ओवर प्लेसेस जगहों के ऊपर होते हैं, ओवर लॉस्ट लव किसी का प्यार खो गया है, ओवर द पास्ट या भूतकाल की बातें, ओवर एन इंडिविजुअल मिजरी या किसी इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत कष्ट या किसी चीज में किसी ने फेलियर मतलब असफलता के बारे में, ओवर डिपार्टेड पेट एनिमल्स मतलब पेट एनिमल्स के भी डिपार्चर में,
एलर्जी लिखी जाती है, जैसे कि पेट एनिमल, पेट एनिमल्स होते हैं तो क्या होता है, हमें उनसे भी उतना ही प्रेम हो जाता है जितना एक फैमिली मेंबर से होता है। आजकल तो बहुत फैशन सा हो गया है सबको पेट एनिमल रखने का, तो उनसे लोगों को अगर वर्निंग्स नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, एनिमल्स को ही रखते हैं और उनको पालते हैं और उन्हीं से उनको प्यार, उनको भी उनसे प्यार हो जाता है। तो पेट एनिमल्स भी जब की जब डेथ होती है तो उससे भी जो लोग होते हैं उनको भी उतना ही दुख होता है जैसे किसी एक इंसान के मरने से होता है, तो उस पर भी पोइट जो है अर्जी लिखता है। तो ये उस समय की बात है जब क्या कहते हैं एंशिएंट ग्रीस में, और ये इसकी जो अर्जी की थीम है वो कोई भी हो सकती है, क्रेसिस ओवर लॉस्ट लव, ओवर द पास्ट, ओवर एन इंडिविजुअल मिस्ट्री ऑफ फेलियर और डिपार्टेड ऑन पैट एनिमल्स। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एलर्जी एंड आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलर्जी। और इतनी मतलब मैंने जो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है आप लोग उसको नोट कर लीजिए, और ये जो है आपका व्हाट इज एन एलर्जी करके क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में ही आता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलर्जी, ये जो है आप लिख सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी और इसका जो काइंड है एलर्जी का, पेस्टोरल एलर्जी, इसके बारे में समझाऊंगी।